एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूयन इक्विनॉक्स फ्लावर का सीड लेने इक्विनॉक्स फ्लावर फेरी के पास जाता है। तो फ्लावर फेरी उसे इक्विनॉक्स फ्लावर का सीड देने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इक्विनॉक्स फ्लावर को खिलने में और उसके बीज आने में कितना टाइम लगता है और इन फ्लावर्स की कितनी देखभाल करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ये फ्लावर ऐसे ही नहीं दे सकती। इस पर यूयान कहता है कि मुझे एक सीड दे दो, मैं 2 महीने बाद आकर खुद तुम्हारे फ्लावर्स की देखभाल करूंगा। इस बात पर फ्लावर फेरी एग्री हो जाती है और यूयान को इक्विनॉक्स फ्लावर का एक बीज दे देती है। यूयान वो बीज लेकर वापस आता है और फिर बाईजिन के कहने पर वो उस बीज को जेन को खिला देता है। बीज के असर से जेन स्मोक बन के गार्डन के जमीन के अंदर चली जाती है। इस पर डॉक्टर बाइजन कहते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब कुछ दिनों में इक्विनॉक्स फ्लावर का प्लांट निकलेगा और उस प्लांट के फ्लावर से ही जेन नया जन्म लेकर वापस आ जाएगी। इस पर सभी उस जगह पानी डालते हैं। जल्द ही उस जगह एक छोटा प्लांट निकल आता है। यूयान बाइसेंग और ब्लैक को स्क्रीन शॉप का ख्याल रखने के लिए भेजकर खुद इक्विनॉक्स फ्लावर का ख्याल रखता है। दिन गुजरते हैं, देखते ही देखते वो प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाता है। सभी उसका पूरा पूरा ख्याल रख रहे होते हैं। फिर एक दिन रॉयल कोर्ट से एक ऑफिसर जेन को बुलाने आता है तो यूयान जेन बनकर राज दरबार में किंग के पास जाता है। किंग उस वक्त एक कॉन क्यूबिन के साथ होते हैं जो कि एक कैट डीमन होती है और किंग की इटरनल एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को स्ट्रांग बना रही होती है। किंग को इस बात का पता नहीं होता है। किंग जेन बने यूयान से उस कॉन क्यूबिन का स्केच बनाने के लिए कहते हैं। इस पर जेन बना यूयान उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो एक कैट डीमन है। वो डायरेक्टली किंग को ये बात बताता है तो किंग उस पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि बिना किसी एविडेंस के तुम किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। इस पर यूयान उस कैट डीमन से उसे उसके असली रूप में आने के लिए कहता है तो उन दोनों में जमकर फाइट होती है। पर फाइनली जेन बना यूयान उसे उसके असली रूप में लाकर ही दम लेता है, जिसे देखकर किंग हैरान होते हैं। और फिर जेन बने यूयान को उन्हें उस कैट डीमन से सेव करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि एक कैट डीमन है। इस पर वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर एक मॉन्स्टर हंटर थे, इसलिए ये काम मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। इस पर किंग उस कैट डीमन को कैप्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे ही देते हैं। इधर कियांग हुआ स्क्रीन शॉप पर बाइसेंग और ब्लैक के पास आती है और जेन से मिलने की जिद करती है तो बाइसेंग उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ वही व्हाइट हेयर्स वाली जादूगरनी स्क्रीन लेने के बहाने से आती है और वो बाइसेंग ब्लैक और बाइजिन को बेहोश कर देती है। कियांग हुआ उसे देखते ही पहचान जाती है क्योंकि उसी ने जेन को खिलाने के लिए वो जहर दिया था। कियांग हुआ उस इविल जादूगरनी को रोकने की कोशिश करती है। इस पर वो उसे धक्का देकर दूर कर देती है और गार्डन में जाने लगती है। इस पर बाइसेंग कियांग हुआ से इक्विनॉक्स फ्लावर को सेव करने के लिए कहता है तो कियांग हुआ तुरंत गार्डन में जाती है और उस फ्लावर को सेव करने की कोशिश करती है पर वो इविल जादूगरनी कियांग हुआ को बैडली इंजर्ड कर देती है और इक्विनॉक्स फ्लावर के प्लांट में पॉइजन डाल देती है जिससे वो मुरझा जाता है और फिर वहां से चली जाती है। इधर जिन बना यूयान उस कैट डीमन को लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में प्रिंस मोयून उसे डराने धमकाने के लिए रोकता है। इस पर यूयान उसे बिना कुछ कहे वहां से गायब हो जाता है। प्रिंस मोयून हैरान होता है और कहता है कि ऐसा तो कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। फिर वो अपने आदमियों को जेन के बारे में पता करने का ऑर्डर देता है। इधर यूयान जब घर आता है तो देखता है कि बाइसिंग ब्लैक और बाइजिन सभी बेहोश पड़े होते हैं। इस पर वो बाइसिंग से पूछता है कि ये सब किसने किया तो बाइसिंग उसे सारी बातें बताता है। फिर वो सभी गार्डन में जाकर देखते हैं तो इक्विनॉक्स फ्लावर का प्लांट बिल्कुल मुरझा चुका होता है। इस पर डॉक्टर बाइजिन यूयान से वंडरलैंड जाकर वहां से योची वाटर लाने के लिए कहते हैं तो यूयान तुरंत योची वाटर लेने के लिए निकलता है। इधर डॉक्टर बाइजिन कियांग हुआ को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, इसे तुरंत ट्रीटमेंट देना होगा। इस पर बाइसेंग अपनी मैजिकल पावर से कियांग हुआ का ट्रीटमेंट करता है जिससे वो जल्दी होश में आ जाती है। इधर यूयान योची वाटर लेने जाता है तो वहाँ योची वाटर की रखवाली एक बच्चा कर रहा होता है। वो यूयान को योची वाटर देने से इनकार करता है पर यूयान किसी तरह वहां से योची वाटर लाने में कामयाब हो जाता है। वो योची वाटर लेकर वापस आता है
और इक्विनॉक्स फ्लावर के प्लांट में डालता है तो वो प्लांट तुरंत खिल उठता है और उसके अंदर से जेन बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और जेन भी वापस आकर खुश होती है। उसे दोबारा एक न्यू लाइफ जो मिली होती है। वो डॉक्टर बाइजिंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्हीं की ही वजह से वो दोबारा वापस आ पाई थी। तभी कियांग हुआ उसे सॉरी बोलती है, पर जेन उसे माफ करने के लिए एग्री नहीं होती। तो बाइसेंग उसे बताता है कि कियांग हुआ ने आज उसे बचाने के लिए किस तरह अपनी जान खतरे में डाली थी। इस पर जेन सोच में पड़ जाती है। तो ब्लैक उसे कमरे में चलकर आराम करने के लिए कहता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। इधर वो इविल जादूगर उस व्हाइट हेयर वाली जादूगरनी के पास जाकर जेन के वापस जिंदा होने के बारे में बताता है। इस पर वो शॉक्ड होती है, फिर कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसे दोबारा खत्म करेंगे। नेक्स्ट डे जेन बाइसिंग और ब्लैक के साथ स्क्रीन शॉप की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ क्वांग हुआ आती है और जेन की हेल्प करने की कोशिश करती है। इस पर पहले तो जेन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर फिर क्वांग हुआ के बार बार माफी मांगने पर वो उसे माफ कर देती है। फिर जेन अपने बेगोनिया के प्लांट को देखती है जो कि मुरझा चुका होता है। वो बाइसेंग से पूछती है कि क्या किसी ने इसमें पानी नहीं डाला। तो बाइसेंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि हमें इतने सारे कामों में टाइम ही नहीं मिला कि हम उसका ख्याल रख पाए। इस पर जेन उसे टच करती है तो वो प्लांट दोबारा से हरा भरा हो जाता है। ये देखकर जेन हैरान होती है और सभी को वहाँ बुलाकर उस प्लांट को दिखाती है। तभी वहाँ युयान आता है और उसे बताता है कि इक्विनॉक्स फ्लावर के इफेक्ट की वजह से तुम्हारे अंदर ये सुपर पावर आ चुकी है कि अब तुम किसी भी मुरझाए पौधे को फिर से हरा भरा कर सकती हो। इस पर जेन बहुत खुश होती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।